रमज़ानुल मुबारक का महीना है जिसमें हम लोग बिलअमूम इंसान कोशिश करता है कि अपनी इस्लाह कर सके, नेकी की तरफ तवज्जो होती है। इंसान बिलअमूम जो नमाजें कम पढ़ते हैं, इस महीने में नमाजें भी ज़्यादा पढ़ ली जाएँ, वज़ाइफ भी कर लिए जाएँ, कोई अच्छे अमाल भी कर लिए जाएँ। तो अब जो इबादात है ये है एक हिस्सा, तो हम इसी एक हिस्से पर ज़्यादा तवज्जो करते हैं, जबकि हमें इससे भी जो ज़रूरी बात है उस पर तवज्जो करनी चाहिए। और वो क्या है? वो है हमारी आदत। हम नमाज की कोशिश जो करते हैं, हम वज़ाइफ ज्यादा करने की कोशिश जो करते हैं, ये ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूं कि इसको छोड़ दें या इसको कम करें, नहीं। लेकिन अपनी तबीयत को, अपनी आदत को तब्दील करने की कोशिश करें। कुरान पाक में कई मकामात पर जहां भी अल्लाह करीम ने उन लोगों का जिक्र फरमाया जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये गुमराह हो गए, या जिनको अल्लाह ने गुमराह कर दिया। हम सुनते हैं ना, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तुम उसका वली मुर्शिद ना पाओगे, या वो लोग जिनके दिलों पे अल्लाह ने मोहर लगा दी है। इस वजह से लगाई कि वो अपने आप को तब्दील करना ही नहीं चाहते थे, तब्दील कर ही नहीं रहे थे। उनकी वही आदतें थी, वही हरकतें थी। इतनी बातें सुनकर, इतने मोजज़ात और करम नवाजियां और इखलाकियात को देख कर भी वो जब अपने आप को तब्दील नहीं करता, फिर अल्लाह इस उसकी हरकत की वजह से दिलों पे मोहर लगा दे। आका फरमाते हैं कि एक बच्चा मुसलमानों के घर में पैदा होता है, सारी जिंदगी अच्छे अमल देखता है और बाज़ बात करता भी है, लेकिन आखिरकार वो काफिर होकर मर जाता है। आका करीम फरमाते हैं कि एक बंदा काफिरों के घर पैदा होता है, कुफर देखता है, कुफर करता है, आखिरकार ईमान की हालत में आ जाता है और जन्नती बन जाता है। आका इसकी वजह क्या है? फरमाया एक तो वजह वो है जो अल्लाह का फैसला है। अल्लाह कुरान में फरमाता है जो ढीठ है, ढीठ उनका ये अंजाम होगा। तो बस ये एक बात ध्यान में रख लें कि अगर हमने अपनी आदत तब्दील नहीं ना की तो असल में फिर वो बात नहीं बनी। तब्दीली असल तब आएगी जब अपना अंदर तब्दील करेंगे, अपने मिजाज को बदलेंगे, जो चीजें शैतान की तरफ से हैं उनको तब्दील करें। जैसे गुस्सा है, बदजबानी है, मिजाज में सख्ती है, माहे रमजानुल मुबारक जो है वो इस प्रैक्टिस का, इस मश्क का महीना है कि हम अपने आप को हकीकी तौर पर तब्दील कर लें और वाकई अच्छे बन जाएं और वैसे बन जाएं कि अल्लाह करीम को हम पसंद आ जाएं। ऐसे आता हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर, ऐसे आता हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर, ऐसी निस्बत हो, ऐसी निस्बत, ऐसी निस्बत हो तो फिर वो हो तो फिर बोल बड़ा सच्चा।